और इनोक भी आया हुआ है। टुल्लू यार गया यार, राजू गाइज सबको जोहार एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज जैसे कि मैंने बताया था शॉर्ट्स में कल का, कहाँ आज हम लोग जा रहे हैं, आज हम लोग जा रहे हैं गाइज अस्तिया झाड़ग्राम साइड, जो बहरा घोड़ा होते हुए जाना पड़ेगा और काफी दूर होगा, बहुत ज्यादा लंबा रास्ता है। सुबह सुबह निकलना पड़ेगा, 6:30 बज रहा है और टाइम यही दिया हुआ था, और मुझे आज निकलना होगा मेन रोड में, जहाँ से मतलब जब भी हम लोग बाड़ा घोड़ा साइड जाते हैं या घाटशिला साइड जाते हैं, जो भी हो उस साइड जाने से हम लोग को मेन रोड में निकलना पड़ता है, और मेन रोड मेरे यहाँ से ज्यादा दूर है नहीं, पहले का वीडियो में आप लोग देख चुके हैं। और ठाकुर लोग को भी इसी रास्ते पिक करेंगे, सब रास्ते में निकलेंगे और वहां से जाएंगे, और जो घनश्यामदा विकास नायक और डुलू लोग है वो लोग गाड़ी में ही बैठ के आएंगे गोल चक्कर होते हुए अमिता लोग, और हम लोग को पिक करेंगे। तो चलिए आज चलते हैं, और कौन कौन प्लेयर आ रहे हैं आज, सब अपने प्लेयर ही रहेंगे, सबको दिखाऊंगा, और आज भी एक प्लेयर का मैं इंटरव्यू लूंगा, ये सब आप लोग को दिखाऊंगा कौन प्लेयर का इंटरव्यू ले रहा हूँ। चलिए अभी निकलते हैं, टाइम भी हो गया है। तो गाइज अभी निकल गए हैं और मेरे को छोड़ने वाला कोई नहीं हो रहा है, और आज प्रैक्टिस भी कोई नहीं आया है क्योंकि मौसम देखिए कितना खराब है और बारिश भी हो रही है हल्का फुल्का। तो अभी मेरे को अकेले जाना होगा, ठाकुर के वहाँ चलेंगे और ठाकुर का वहाँ गाड़ी रखेंगे और एक साथ ठाकुर के साथ वहाँ चढ़ेंगे। तो पहुँच गए हैं ठाकुर का यहाँ पर, क्योंकि हम लोग मेरे को पहुंचाने वाला कोई नहीं था, और ठाकुर के पास गाड़ी रखेंगे ठाकुर का गांव में। ये ठाकुर का गांव है, ठाकुर ठीक है ना? हाँ बढ़िया है। और गाड़ी भी आ गई है हम लोग का, और घनश्यामदा गया है मेहमानी करने के लिए इधर, यहाँ पर घनश्यामदा का भी मेहमान घर है यहाँ पर। तो गाड़ी मेरा यही रखेंगे और अभी यहाँ से निकलेंगे। तो मेरा गाड़ी अभी ले जा रहा है रखने के लिए, रखेगा फिर चलेंगे हम लोग, बस चाबी ले लेंगे। तो अभी पहुंच गए हैं गोपी बल्लभपुर झाड़ग्राम, वेस्ट बंगाल पड़ता है, और यहाँ पर हम लोग कुछ नाश्ता करेंगे क्योंकि टाइम भी हो गया है, भूख भी लगा है, सुबह सुबह निकले और अभी तक कुछ खाए नहीं है। और देखिए गोपी बल्लभपुर में कितना भीड़ भाड़ है, ये टाउन है, और सब जा रहे हैं हम लोग। तो अभी यहाँ खा लेंगे कुछ, उसके बाद फिर निकलेंगे ग्राउंड के लिए। तो यहाँ अभी खाने वाले हैं, और टुल्लू जोर गए यार, राजू ठाकुर मानवदा छे मानवदा जोर घनश्यामदा जोर गए, और गुजू है, और विकास विकास जोर जोर। अभी यहाँ हम लोग खाएंगे, अब बस इतने ही लड़के लोग आए हैं, बाकी लड़के लोग नहीं आए हैं, और यहाँ खा लेंगे फिर यहाँ से निकलेंगे। तो गाइज अभी पहुंच गए हैं अस्तिया बहुत देर बाद, कम से कम 3 घंटा से 3.5 घंटा लगा, और बहुत दूर है, झाड़ग्राम क्षेत्र पड़ता है वेस्ट बंगाल। और गाइज मैच हम लोग का 3 नंबर में है, और अभी 1 नंबर शायद चल रहा है और 2nd नंबर चालू होने वाला है, उसके बाद हम लोग का मैच है। और मैच खेलने से पहले मैं बोला था कि किसी का एक इंटरव्यू लूंगा, तो आज एक ऐसा प्लेयर का इंटरव्यू ले रहे हैं कि जो हम लोग का गोल मशीन है और सबसे ज्यादा गोल स्कोरर है हम लोग का एरिया का, और सब जगह भी जहाँ भी खेलता है हम लोग का टीम का सबसे ज्यादा टॉप स्कोर उसी का रहता है। तो आप लोग जान ही गए होंगे किसका बात कर रहा हूँ। चलिए विकास नायक का आज इंटरव्यू लेते हैं, तो वो अपना बारे बताएगा, या क्या नाम है, कहाँ से है और कौन पोजीशन में खेलता है शॉर्ट में। विकास चलिए आप थोड़ा अपना परिचय दीजिए भाई लोग को। मैं विकास नायक कांड्रा से, कांड्रा श्रीरामपुर, और मेरा पोजीशन है स्ट्राइकर, और मैं डिसिप्लिन से कल से जुड़ा हूँ। तो आप लीग में कौन सा टीम से खेले, टाटा लीग में? पहले तो आंध्रा स्पोर्टिंग, उसके बाद टाटा मोटर्स, उसके बाद टाटा स्टील। अच्छा ठीक है। और गांव आपका? गांव मेरा है कांड्रा श्रीरामपुर। अच्छा ठीक है। तो गाइज आज का जो इंटरव्यू लिया मैं विकास का लिया, हम लोग का गोल मशीन, और वो कहाँ का है और कौन सा पोजीशन में खेलता है आप लोग को बता दिया। तो चलिए अभी हम लोग का मैच टाइम होने वाला है, फिर किट करेंगे
और ग्राउंड गाइज नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि चारों तरफ से घिरा हुआ है और टिकट सिस्टम है और बहुत दूर है गेट, तो हम लोग नहीं जाएंगे, डायरेक्ट मैच खेलेंगे उस टाइम ही घुसेंगे, तो ग्राउंड नहीं दिखा पाऊंगा। जब टाइम मिला अगर हो सकेगा तो दिखाऊंगा और नहीं तो फिर बताऊंगा आप लोगों को मैच के बाद। तो चलिए अभी मैच के बाद मिलते हैं। तो बहुत सारा टीम में फॉरेनर आया हुआ है और इनोक भी आया हुआ है दूसरे टीम में, ये लोग पहला मैच खेला और देखिए सब टीम में फॉरेनर है, हम लोग का टीम में भी है शायद एक दो। तो इनोक आया, ये लोग फर्स्ट मैच जीत गया, मिले हम लोग और अभी जा रहा है ड्रेसअप कर खोलने। जब अभी दूसरा मैच चालू होने वाला है और ये लोग खेलेंगे, ये फॉरेनर और उधर आगे भी है, सब टीम में फॉरेनर है। तो गाइस अभी आ गया हूँ अपना घर झाड़ग्राम से खेलने के बाद, और बहुत ज्यादा दूर था आज का जहाँ मैच हो रहा था, अस्तिया नाम था उस जगह का, गोपी वल्लभपुर मैं इससे पहले भी गया था झाड़ग्राम, उस साइड से ही रास्ता गया है और बहुत ज्यादा दूर था, 3-3.5 घंटा लगा। वैसे उससे भी ज्यादा हम लोग टाइम ट्रेवल करते हैं, बहुत दूर दूर ट्रेवल करते हैं, पर जब नया साइड कभी न्यू जगह जाते हैं तो थोड़ा और दूरी लगता है, अगर 1.5 घंटा 2 घंटा भी लगे तो भी दूरी लगता है। तो आज का रिजल्ट आप लोगों को बता दे रहा हूँ, हम लोग आज क्वार्टर फाइनल में हार गए और फर्स्ट प्राइज था वहाँ पर 2.5 लाख और सेकंड 2 लाख था और थर्ड फोर्थ पता नहीं 1-1 लाख साइड था, अच्छा प्राइज था पर हम लोग हार गए। और सब टीम में फॉरेनर था और हम लोग का टीम में भी फॉरेनर था पर इतना इफेक्टिव नहीं था, और 9 साइड का मैच था ऑफ साइड, हम लोग क्वार्टर फाइनल में हार गए। और गाइस मजा आया आज खेलने में, बहुत ज्यादा दूर भी था तो, और वहाँ गाइस एक भी टीम में ऐसा नहीं था कि मतलब लूज जो भी है, और लूज तो ऐसे भी कहीं नहीं रहता है, पर फॉरेनर लोग सब में थे, कैसा लगा था कि फॉरेनर का मेला लगा हुआ है वहाँ पर और सब टीम में फॉरेनर था और अच्छा गेम हुआ वहाँ पर। तो गाइस आज का रिजल्ट तो खराब हुआ, लेकिन नेक्स्ट जो टूर्नामेंट आएगा उसका रिजल्ट हम लोग को खराब नहीं करना होगा, और आशा करेंगे हम लोग उसमें अच्छा खेलेंगे और रिजल्ट अच्छा लाएंगे और प्राइज में जाएंगे। जैसे पिछला टूर्नामेंट में हम लोग हार गए थे पर हम लोग को प्राइज मिला था, लास्ट वाला प्राइज मिला था, और आज तो हम लोग हार गए, आज तो प्राइज भी नहीं मिला, जो भी हो लेकिन नेक्स्ट टूर्नामेंट में हम लोग सब अच्छा करेंगे और विन करेंगे, जितना हो सके कोशिश करेंगे कि हम लोग विन कर जाएंगे और हम लोग प्राइज में पहुंचे। तो गाइज आज का प्लेयर लोग, हम लोग पूरा टोटल टीम प्लेयर नहीं गया था, 8 प्लेयर लोग गए थे, और जैसे बबलू दर नहीं गए, कटप्पा नहीं गया, भीम नहीं गया, आपका देवा विकास भी नहीं गया, वैसे मतलब हम लोग सिर्फ 8 लोग गए थे, बाकी सब लड़के लोग नहीं गए थे, और वहाँ का फॉरनर 2 था और एक देसी प्लेयर था, देव नाम था, ऐसा कुछ नाम था उसका, अच्छा गेम खेला जो भी है, और मैच है, मैच हार भी सकते हैं जीत भी सकते हैं ऐसे होता है, और हर रोज आप नहीं जीत सकते हैं और बस कोशिश ही कर सकते हैं, और बाकी सब रिजल्ट किस्मत का भी बात है और कभी कभी रिजल्ट खराब भी होता है अच्छा खेलने के बावजूद। तो चलिए आज तो जो हुआ, लेकिन नेक्स्ट मैच खराब करना नहीं चाहेंगे हम लोग, नेक्स्ट मैच का जब भी मैच रहेगा शॉर्ट्स में डाल देता हूँ सुबह में, पर हम किस नंबर पे है, कौन सा नंबर में है, ये सब मुझे नहीं पता रहता, मैं उतना नहीं पता करता हूँ, जिस दिन मैच रहता है उस दिन उसका पहला दिन शाम में बताता है और सुबह में आप लोगों को शॉर्ट के द्वारा बताता हूँ, पर कितना नंबर में ये सब मैं पूछता नहीं है, नाम भी नहीं पूछता, वहां जाके पता चलता है। तो गाइस आज का स्टोरी इस टाइप का था कि आज हम लोग क्वार्टर फाइनल में हार गए, और नेक्स्ट टूर्नामेंट का ब्लॉग में मिलते हैं गाइस, और आज का ब्लॉग का यही एंड करते हैं, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर।